अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रहाम खान और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो गाड़ी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं बहुत ज़बरदस्त हालत में है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। इसके हम कंप्लीट रिव्यू करने जा रहे हैं जिसमें आप लोगों को मालिक का कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन और डिमांड हम देने वाले हैं दोस्तों। इसलिए वीडियो बिल्कुल पूरी तरह देख लीजिएगा दोस्तों। मज़ीद इस तरह वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ जो है आप लोगों को मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठा सके। तो अपने चैनल की तरफ चलते हैं दोस्तों। वीडियो की तरफ आ गए हैं और इस वीडियो में हम आप लोगों को 2.0D यानी डीजल करोला सेलून 2006 मॉडल की गाड़ी जो है ये रिव्यू करने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंडीशन के ऊपर हमारा डिपेंड यानी हम फोकस नहीं करते, बल्कि गाड़ी के कीमतों पे भी हम फोकस करते हैं और आपको अच्छी प्राइसेस में अच्छी गाड़ियाँ दिखाते हैं। तो गाड़ी के बिल्कुल मुकम्मल रिव्यू करने जा रहे हैं दोस्तों। 2006 मॉडल है, सेलून 2D करोला है, सिंध की रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, यानी कंप्लीट डॉक्यूमेंट इसके साथ मौजूद हैं। ज़्यादातर लोग डॉक्यूमेंट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, पर ये चीज़ दोस्तों आप लोग क्लियर कर सकते हैं कि इसके डॉक्यूमेंट ले करके आप एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से, बल्कि ऑनलाइन भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जब पूरी तरह आपकी तसल्ली हो जाती है उसके बाद आप गाड़ी को ख़रीदें दोस्तों। इसका एड्रेस भी आप लोगों को वीडियो के अंदर ही बताऊंगा, कीमत और इसका यानी मालिक का जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी आप लोगों को वीडियो के अंदर ही मिलेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो स्किप करते हैं यही इन्फॉर्मेशन बाद में आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके पूछते रहते हैं दोस्तों। इसलिए वीडियो बिल्कुल कम्प्लीट देखा करें ताकि सारी डिटेल आप लोगों को मैं बता सकूँ दोस्तों। वीडियो के तरफ आते हैं दोस्तों। 2006 मॉडल मैनुअल गियर ट्रांसमिशन के साथ है दोस्तों। गाड़ी में जो इंजन आपको मिलता है वो डीजल आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं दोस्तों। गाड़ी बाहर से आप लोगों को दिखाई गई माशाल्लाह से गाड़ी की जो कंडीशन है वो बिल्कुल ज़बरदस्त है, और ये आप लोगों को 70% गाड़ी जो है बाहर से अपनी हालत में मिलती है, जबकि ये 30% आपको सिर्फ दरवाज़ा वगैरह के ऊपर मामूली से टचिंग मिलती है। अंदर से ये गाड़ी पूरी तरह अपनी ओरिजिनल कलर में है दोस्तों, इसमें कोई भी कलर आपको नहीं मिलेगा, यानी रीपेंटेड नहीं मिलेगी, ना ही गाड़ी में कोई मैन एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से दोस्तों ये गाड़ी अभी तक ओरिजिनल सीलों में है, जिसमें गाड़ी के दरवाजे शामिल हैं, इसकी डिग्गी और बॉनट जो है ये भी 100% ओरिजिनल कंडीशन में है, इसमें कोई भी सील आपको डैमेज जो है वो नहीं मिलेगा दोस्तों। इस वक्त गाड़ी के इंटीरियर आप लोगों के सामने हैं, आप लोगों को नज़र आ रही हैं। मैनुअल गियर ट्रांसमिशन है दोस्तों, गाड़ी का गियर हिस्सा और इंजन ये तीनों चीज़ें माशाल्लाह से बिल्कुल A1 कंडीशन में है। इसके अलावा आपको पावर स्टीयरिंग गाड़ी में मिल जाता है, विंडोज़ और मिरर्स जो है वो भी इसी तरह पावर्ड आपको मिल जाते हैं दोस्तों। एयर कंडीशनर और हीटर की बात करेंगे तो ये दोनों आपको बिल्कुल स्टार्ट कंडीशन में मिलते हैं, और इसमें आप लोगों को एक भी रुपये मज़ीद लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर हम गाड़ी के डैशबोर्ड की बात करेंगे तो माशाल्लाह से गाड़ी के डैशबोर्ड बिल्कुल साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल यानी 100% ओरिजिनल डैशबोर्ड यानी आपको मिलती हैं, जबकि नीट एंड क्लीन सफाई सुथरा इंटीरियर में बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी फ्रंट और रियर सीट जो है दोनों आपको बिल्कुल अच्छी कंडीशन में मिल जाते हैं। इस वक्त दोस्तों आप लोगों को गाड़ी का इंजन नज़र आ रही है जो कि एक डीजल इंजन है दोस्तों। मैकेनिकली ये बिल्कुल फिट है, इसमें कोई मैकेनिकल इशू इंशाल्लाह नहीं है दोस्तों। इस वक्त आप लोगों के सामने है गाड़ी। बैटरी की बात करेंगे तो दोस्तों गाड़ी की जो बैटरी है ओसाका की बैटरी लगी हुई है, जिसकी कंडीशन बिल्कुल अच्छी है दोस्तों, और आप लोगों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर एक और बात बताता चलो दोस्तों, इसकी जो गोडे हैं वो आप इसी वीडियो में जो है चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी है, इसलिए इसके गोडे अभी तक ओरिजिनल कंडीशन में है और आप लोगों को यहाँ पर कोई वेल्ट वगैरह नज़र नहीं आएगा। आप अगर गाड़ी किसी और जगह भी चेक करने जाते हैं तो उसके गोडे ज़रूर चेक किया करें, ताकि आप उसको जो है यानी इजीली ख़रीद सकें और आप ये पता लगा सकें कि गाड़ी कहीं से एक्सीडेंट तो नहीं हुई, क्योंकि दोस्तों एक्सीडेंटल गाड़ियां आप लोगों को फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं, इसलिए इस चीज़ से आपको बचना चाहिए दोस्तों। इसमें अलॉय रिम और टायर जो है दोनों लगी हुई हैं, स्टेपनी की हालत थोड़ी सी नॉर्मल आपको मिलती है। अब डिमांड की तरफ आते हैं दोस्तों, इसके पहले उन्होंने 13 लाख रुपये डिमांड लिखा था, पर अभी जो है 12 लाख 80 उन्होंने डिमांड कर दिया। फिर दोस्तों हमने उनसे बात की और 12.5 लाख में फ़ाइनल कर दी, तो ये जो जितने भी डिस्काउंट है वो हमने अपनी तरफ से इंशाल्लाह कर दी। राबता नंबर आप लोग को नज़र आ रहा है और G11 इस्लामाबाद में ये गाड़ी जो है इस वक्त मौजूद है दोस्तों। वस्सलाम।